हाँ यस तो सर। आज के हमारी क्लास में बात करें पावर बीआई, और हमारे साथ राहुल जी ज्वाइन किए हैं, आज उनका फर्स्ट डे है। इसलिए राहुल जी हम शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड में। तो हमारे साथ YouTube पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ है जहां पे सारे सिक्वेंस वीडियोस मिलेंगे, उसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो राहुल जी हम बात कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, सबसे पहले जान लेते हैं कि पावर बीआई आके यूज क्या होगा, मैं क्या करेंगे पावर बीआई से, राइट। देखिए इसके लिए हम सिंपल सा हम गूगल खोलते हैं आपको, राइट। गूगल में मैं जस्ट सर्च करता हूं डैशबोर्ड, और इसके इमेज में चला जाता हूं। अभी जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है ना सर, दिख रहा है आपको डैशबोर्ड, इस तरह से डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पावर बीआई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है राहुल जी। अब क्वेश्चन यह आता है कि ऐसी डैशबोर्ड तो हम एक्सेल में भी बना लेते हैं, तो फिर पावर बीआई की जरूरत क्यों है, राइट। यस सर। देखिए पावर बीआई की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक्सेल में इस तरह की रिपोर्ट बनाने में आपको काफी टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए हम इसी रिपोर्ट की बात करें तो इसको अगर हम एक्सेल में बनाते हैं तो मुझे कम से कम इसको बनाने में कम से कम नहीं भी तो 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगेगा ऑटोमेटिक। मैनुअल बनाने के लिए तो आधे घंटे बना देंगे मैनुअल, ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूं तो जहां पर डेटा मेरा चेंज हो तो ये अपने आप चेंज कर जाए। पावर बीआई इसी काम को कुछ मिनट मतलब कि 5 या 10 मिनट के अंदर में बना देगा ऑटोमेटिक, और इससे भी ज्यादा इंटरेक्टिव, और इसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है सर। ओके सर। तो इसलिए स्मार्ट होता है पावर बीआई। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, और यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि पावर बीआई जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का होने की वजह से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट मिलता है कि एक्सेल के साथ अच्छा एक्यूरेशन इसका होता है, इसमें पावर क्यूरी वही चलता है जो एक्सेल में पावर क्यूरी चलता है, इसके मोस्टली फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूले जो है वो एक्सेल से रिलेट करते हैं, जैसे इफ एंड ऑर, हाँ थोड़ी बहुत चेंजिंग है इसके अंदर लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल से रिलेट करते हैं, और सीखने में बहुत ही आसान है, और सबसे बड़ी बात इसकी सॉफ्टवेयर हर कोई डाउनलोड कर सकता है, इसका डेस्कटॉप वर्जन हर कोई डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। इसी जगह से टैबलू सॉफ्टवेयर है, अगर हम बात करें टैबलू का तो टैबलू भी एक इसी सेम चीज के लिए यूज होता है, टैबलू की बात करते हैं तो टैबलू का भी इस्तेमाल जो होता है वो आपका इसी चीज के लिए होता है, जो टैबलू देखेंगे आपको, बट टैबलू आपको फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं करती है, इसके लिए आपको चाहिए बाय कीजिए या फिर ट्राई फ्री कीजिए जो कि आपको 14 डेज के लिए देगा, और 14 डेज में टैबलू को सीखना एक्सपर्ट लेवल में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है, समझे। ओके सर। और इसको अगर बाय करने की कोशिश करेंगे तो इसकी प्राइसिंग भी काफी ज्यादा है, देखिए $17 दिख रहा है आपको सर, वो भी पर मंथ, पर मंथ या राइट, तो ये $17 तो अराउंडली 70 तो मंथ के हिसाब से ₹5,000 पर मंथ। हाँ अगर पावर ए की प्राइसिंग देखते हैं तो पावर बीआई की प्राइसिंग जो है पर यूजर $99 मतलब तो ₹600 का आ सकता है मंथली, ठीक है। okay. और अगर आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 E5 तो इंटरप्राइज वर्जन लिया है तो फ्री है। Okay. इसलिए मैं आपको जो दिया था कि क्योंकि अब दूसरी चीज क्या है कि टैबलू के साथ भी अभी इस तरह के रिपोर्ट बनाएंगे, और टैबलू सीखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि टैबलू में क्या होता है कि हर एक पेज पे एक चार्ट बनता है, फिर एक अलग डैशबोर्ड में सारे चार्ट को हम कुलेट करते हैं। okay. लेकिन पावर बीआई में क्या होता है कि हम अपने जो भी हमारा चार्ट है एक एक पेज मिलता है, उसमें हम अपने हिसाब से जितना मर्जी रखना चाहे
रख सकते हैं, ड्रैग करके बड़ा करना, छोटा करना, वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट बिहाव पे होता है, जैसे कि हम लोग फोटोशॉप वगैरह में करते हैं ना उसी तरह। ओके सर, तो इसलिए सीखना जो आसान। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगी और सीखने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, राइट। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड, सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ, उसमें कुछ और चीजें भी देख लीजिए सर, ठीक है ना। सॉरी, रिकॉर्ड में रहेगा ना, अभी तो डाउनलोड है, कभी भूल गए तो रिकॉर्डिंग देखे समझ जाओगे ना कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है। तो पावर बी आई डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई, यहाँ पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉट कॉम, तो या फिर पावर बी आई दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है ना। यस सर। तो ये वाले पहले चेक कर लें किसी भी क्लिक करने पर है, तो हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है सर पावर बी आई। इसमें आपको पावर बी आई डेस्कटॉप, पावर बी आई के है, पावर बी आई है, पावर मोबाइल भी है, ये डेटा गेटवे भी है, ऑन प्रीमिसेस पावर बी आई भी है, माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट बिल्डर भी है, तो ये सब पे नहीं जाना, आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई डेस्कटॉप। अब यहाँ पे डाउनलोड है, अब इस डाउनलोड पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा सर पता है, ये आपको ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट, कहाँ ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, माइक्रोसॉफ्ट की स्टोर वाले पैकेज में चला जाएगा। वॉइस सर आपकी ब्रेक होने लगी। हेलो हेलो सर, आ रही सर, सॉरी सर। हाँ हाँ आ रही है सर, आ रही है। तो यहाँ पे जिससे हम बात कर रहे थे, आपको यहाँ डाउनलोड एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे आना है, ठीक है, एडवांस डाउनलोड ऑप्शन। इसमें आपको यहां से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद नॉर्मली इंस्टॉल करते हो इंस्टॉल करते राइट। लेकिन इसमें इंस्टॉल करने के बाद जब पावर भी आप इंस्टॉल करेंगे तो किसी इस तरह का पावर भी आपको दिखेगा राइट, और टाइम टू टाइम जब अपडेट होगा तो अपडेट होते ही जाएगा। अब कितने दिन के लिए आपको डेस्कटॉप वर्जन दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कुछ डिसाइड किया नहीं, और मैंने 2 साल से मैं खुद यूज कर रहा हूँ तो अभी तक कुछ ऐसा कुछ मांगा नहीं है सर, ठीक है। तो पावर बी आई के 2 इंटरफेस है, पहला इंटरफेस जो सामने दिख रहा है वो आपका पावर बी आई डेस्कटॉप वर्जन है, दूसरा आपको पावर बी आई का वेब वर्जन पे जाना होगा, समझे, माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई का वेब वर्जन, वेब कंसोल। तो होता क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप वर्जन में आना है और अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, उसके बाद इसको पब्लिश करना है, पब्लिश करते ही ये पहुंच जाएगा आपको वेब कंसोल में, ठीक है। जब ये वेब कंसोल में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, वहां से रिपोर्ट्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हो अपने अपने पर्सन को या जहां भी भेजना भेज सकते हो। तो पावर बी आई जिस रिपोर्ट को मैनिपुलेट भी करता है, एम्बेड भी करता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है राइट, आपके पास कोई वेबसाइट है, अब चाहते हैं कि आपका जो सेल्स का रिपोर्ट है वो वेबसाइट के ऊपर फ्लोट करे, जैसे सेल्स का डेटा यहाँ पे ख़त्म हो, जैसे सेल्स का डेटा जैसे अपडेट हो, वैसे ही मेरा पावर बी आई का वो जो वेबसाइट पे है वो भी अपडेट हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, देखिए मैंने एक प्रीव्यू करता हूँ, मैंने ब्लॉगर पे रखा है सर, अभी आ जाएगा सर, लोड हो रहा है, लोड में तो टाइम लेता है, ये पावर बी आई सर्वर पे जाएगा ना, वहां से लेकर आ रहा है। एक क्वेरी है सर, इसमें अगर अगर सामने वाले को हम सेंड कर रहे हैं रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं तो क्या उनके पास भी पावर बी आई होना जरूरी है? आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हाँ मुझे आ रही है आपकी वॉइस, आपको आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ सर, सपोज अगर मैंने किसी अपने क्लाइंट को या किसी को रिपोर्ट शेयर की है बना के पावर बी आई पे, तो उनके पास भी पावर बी आई होना मैंडेटरी है कि? हाँ, यही पे एक चीज आती है कि अगर आपने रिपोर्ट पावर बी आई में कोई रिपोर्ट भेजा, एक पावर बी आई के वेब कंसोल है हमारा, तो पावर बी आई की में आपने कोई रिपोर्ट बनाया है तो उसको भेजेंगे कैसे? तो भेजने का 3 मीडियम है, पहला है कि इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए आप
पीडीएफ में या पावर पॉइंट में, राइट, ओके, या फिर इसको शेयर कर दीजिए डायरेक्ट। तो जब पावर बी आई अगर फाइल शेयर करते हैं या पावर बी आई का जो कंसोल शेयर करते हैं, मैं यहाँ शेयर पे क्लिक किया और शेयर कर दिया, जिसके लिए आपको वेब पर एक प्रो वर्जन चाहिए, टेट वर्जन चाहिए, तो अगर आपने इसको शेयर कर दिया तो क्या होगा कि उसके पास भी पावर बी आई होना चाहिए। अगर उसके पास पावर बी आई नहीं है तो आप नहीं भेज सकते। ओके, वॉइस चलेगी सर आपकी? नहीं, वायरलेस चुप हो गया था सर। हाँ, तो जैसे कि मैं आपके बात कर रहा था कि उसके पास भी पावर बीआई होना चाहिए। अगर पावर बीआई नहीं है तो आपकी रिपोर्ट को पीडीएफ में देख सकता है, पावर पॉइंट में देख सकता है, या फिर देख सकता है वेब लिंक पे, समझे, वेबसाइट लिंक पे वो देख सकता है। देखे यहाँ पे एक ब्लॉगर पे आ रहा है मेरा, तो एक ब्लॉगर पे मैंने क्या किया हुआ, एम्बेड किया हुआ। ये देखिए, ये इसका लिंक है, रिपोर्ट का लिंक जो आपको दिख रहा है ना सर, ये रहा। हाई फ्रेम यहाँ से लिंक, ये लिंक, ठीक है। ऐसे लिंक में यहाँ से भी जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे फाइल में एम्बेड पब्लिश ऑन वेब, और मुझे यहाँ से इसकी कॉपी कर लीजिए। अब इस लिंक को किसी को भी भेज दीजिए, जो भी इस लिंक को एक्सेस करेगा वो आपकी इस रिपोर्ट को एक्सेस करेगा, देखिए, ठीक है। और देखेगा नहीं, इसमें पावर के बहुत सारे फीचर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, अप डाउन अप्रैल सेलेक्ट किया तो पूरा रिपोर्ट अप्रैल के अकॉर्डिंग हो गया। तो सिर्फ देख ही नहीं सकता, इसमें अपने हिसाब से चेंज फिल्ट्रेशन वगैरह भी लगा सकता है, समझे। तो इसके लिए उसको पावर बी आई होने की जरूरत नहीं है। तो पावर बी आई रिपोर्ट को आप क्या चीज में भेज सकते हैं, तीन चीजें, पीडीएफ, पावर पॉइंट और वेब लिंक। अगर वेब लिंक पे सर वो एडिटिंग कर, वेब लिंक पे एडिटिंग कर सकता है जी, मतलब वो चेंजेस करके देख सकता है, और पीडीएफ और हमारा पीपीटी में वो चेंज नहीं, वो नहीं कर सकता, पीपीटी एक तरीके से बन जाएगी, राइट सर? जी, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, डन सर, व्हाट इज, तो पावर बी आई रिपोर्ट इस तरह से हो, तो आपको उसके लिए चाहिए होगा आईडी। तो आपको जो आईडी होगा, दो आईडी, आप इसमें फ्री आईडी भी बना सकते हैं, ठीक है ना, साइन अप फ्री है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ट्राई फ्री, उस पर जाके आप इसकी आईडी बना सकते हैं। बट आईडी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का नहीं, आपको चाहिए एक बिजनेस आईडी। यहाँ पे ये दिख रहा है, आप मेरे पास ऑलरेडी है तो ये बोला एक चीज़ चलिए, आपके आपको क्या होना चाहिए, आपको बिजनेस आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस आईडी नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते, राइट सर, समझ गए। जैसे आप चाहते कि मैं जीमेल डाल दूँ, याहू डाल दूँ, हॉटमेल डाल दूँ, आउटलुक डाल दूँ, तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई कहता है कि अगर आप मेरे को मेरे साथ साइन अप करना है तो आपको अपने ऑफिस की आईडी देना होगा, जैसे कि ipdindia.com वगैरह वगैरह आईडी आपको देना होगा, समझ गया? डन सर। उसके बगैर आप नहीं दे सकते। तो पहले आपको पावर बी आई सीखने से पहले ये चीज करना होगा कि पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, एंड आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई ऐप पे जाके साइन अप करना पड़ेगा आईडी। अगर आपकी कंपनी आपको आईडी दे रही है तो ठीक है, अगर नहीं दे रही है तो आपको साइन अप करना होगा। और साइन अप करते समय आपको कंपनी की आईडी एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि फिर वो उस पर ओटीपी आपको भेजेगा। एक्चुअली सर आईडी तो है मेरे पास, सारा कुछ है, बट एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट जो मेरे उसमें इंस्टॉल है जो, तो मेरे ऑफिस वालों की आईडी पड़ी हुई है उसमें, ठीक है, तो वो होता नहीं है सर। देखिए आप, आपको अपने आईडी है, आपको अपना ऑफिस का जो ईमेल है, आपको आईडी है, सुनिए मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपनी आईडी को, तो लॉगिन कर सकते हैं आप? हाँ, मेरी आईडी लॉगिन है, मेरे लैपटॉप में लॉगिन है, हमेशा लॉगिन रहती है, मोबाइल लैपटॉप सब में। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ पावर बी आई आईडी की, आपकी ईमेल आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ईमेल नहीं सर, ऑफिस की, ऑफिस मेल आईडी। हाँ, आपकी हुई ना, आपकी ऑफिस ईमेल आईडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
मैं बात कर रहा हूं आपको पावर बी आई आई डी की, तो आपकी जो ऑफिस ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको अपने पावर बी आई की सॉफ्टवेयर पे डाल के उसको लॉगिन करना है। वो सर उसमें लॉगिन होता ही नहीं है, वो एक एरर देता है। नहीं लॉग, आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा ना सर। आपको देखिए क्या ध्यान से देखिए समझिए, आपको सबसे पहले अपना जीमेल, अपना जो ईमेल अकाउंट है ऑफिस की जो ईमेल अकाउंट है उसको ओपन करना होगा, राइट? ओके, उसको ओपन रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है पावर बी आई की साइट पे, पावर आपको जाना है पावर बी आई की साइट पे, यहाँ पे गए। फिर इस पे आपको यहाँ पे करना है साइन, यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन नहीं है तो यहाँ पे कनेक्शन साइन इन विद, यहाँ पे साइन इन ऑप्शंस, ओके साइन इन नहीं है आपको साइन अप ट्राई स्टार्ट फ्री पे करना है, ठीक है? स्टार्ट फ्री किस पे करना है? स्टार्ट फ्री, पावर बी आई ट्राई फ्री। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन देगा, दिख रहा है ऊपर साइन अप डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम क्रिएट अकाउंट साइन अप, दिख रहा है यार? तो यस सर। यहाँ पे आपको आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, पूछा इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे आप इसमें ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट करेंगे ना तो आपके सिस्टम पे एक पासवर्ड आएगा, एक ओटीपी आएगा, फिर उसको आगे डाल के फिर आगे प्रोसीज देखिए। देखिए मैंने मान लीजिए मैंने याद कर दिया gmail.com, अब देखिए ये एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। लुक लाइक योर पर्सनल ईमेल एड्रेस एंटर योर वर्क एड्रेस सो कैन कनेक्ट द योर कंपनी अदर डोंट हैव ईमेल एड्रेस विद एनीवन एंटर योर वर्क ईमेल एड्रेस। तो आपकी कंपनी की जो ईमेल एड्रेस है आपको यहाँ पे डाल के नेक्स्ट क्लिक करना है, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और बाकी इन्फॉर्मेशन डालनी है और आपको आईडी क्रिएट कर लेना है, समझे? ठीक है सर। जो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो कुछ इस तरह का कंसोल खुलेगा, ये आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरह का कंसोल खुलेगा और फिर उसी आईडी को आपको पावर बी आई, यहाँ दिख रहा है सुजीत कुमार, जब आप पावर बी आई खोलते हैं तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज वगैरह दिख रहे हैं ना, बट आपके सिस्टम में दिखेगा साइन इन का ऑप्शन या ऊपर भी साइन इन कर सकते हैं क्लिक करके उसी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को जो आपने पावर बी आई पे क्रिएट किया है उसको यहाँ पे आपको डाल के लॉगिन कर देना है। ठीक है सर, समझे? लॉगिन करने से क्या हो जाएगा, जब आप रिपोर्ट इसमें पावर बी आई पे अपना जो रिपोर्ट बनाएंगे तो क्या होगा, आपका रिपोर्ट यहाँ जब पब्लिश करेंगे तो आपका पावर बी आई के सर्वर पे चला जाएगा जहाँ से वेब कंसोल के जरिए उस रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं देखिए अपनी रिपोर्ट को मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, देखिए मेरी रिपोर्ट यहाँ पर है, मैंने इसको एक्सेस कर दिया, राइट? okay, एक्सेस करने के बाद इसको शेयर करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, बाकी जो चीज़ें करनी है एडिट करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके सर, आप पावर बी आई की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और उसमें okay, ईमेल आईडी से लॉगिन कर देंगे तो आप जो भी डेस्कटॉप पे बनाएंगे पब्लिश करने के बाद आपके मोबाइल के ऐप में भी वो चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? डन सर। तो आपको क्या पावर बी आई का सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखा है, अभी आपको क्या करना है, यूजर आईडी क्रिएट करना है पावर बी आई की साइट पे, राइट? और फिर okay, उस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से अपना पावर बी आई लॉगिन करना है डेस्कटॉप पर। क्लियर okay. है? डन सर। इसको कर लीजिए और फिर आगे की क्लासेस में हम आगे की चीजें समझाएंगे।